नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे संस्थान के बारे में जिसने देश को दो दो भारत रत्न दिए हैं। बिहार में प्रतिभाओं की रेल देखने को मिलती है। भले ही आज बिहार पिछड़े राज्यों की गिनती में आता है, मगर बिहार में प्रतिभाओं की लंबी कतार है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे संस्थान के बारे में बताएंगे जिसने देश को दो दो भारत रत्न दिए हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार विद्यापीठ की। इसी साल बिहार विद्यापीठ के 100 साल पूरे हो गए हैं। यही वो संस्थान है जिसने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं, इसमें पढ़ने वाले दो विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्व और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रिश्ता इस विद्यालय से कुछ खास रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहीं से शिक्षा से लेकर जेल तक का सफर तय किया है, जिसके तहत असहयोग आंदोलन के बाद से उन्हें यहीं से गिरफ्तार भी किया गया था। यही वो संस्थान है जहां से वो दिल्ली गए थे और राष्ट्रपति से निवृत्त हुए थे। हालांकि वो यहीं वापस आ गए थे, यहीं रहे भी और यहीं उन्होंने आखिरी सांस भी ली थी। आपको बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में इस विद्यालय में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय का निर्माण भी करवाया गया था, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की निजी चीजें संग्रहित है। इसके साथ ही जिस कमरे में उन्होंने आखिरी सांस ली थी, उसे भी बहुत संजोकर आज तक रखा गया है। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की। जेपी नारायण ने पटना विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने बिहार विद्यापीठ में ही अपना नामांकन कराया था। इसके परिसर को ही उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया था। विद्यापीठ की बात करें तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में महात्मा गांधी ने की थी। इसको लेकर जानकारों की माने तो महात्मा गांधी ने चंदा लिया था। इतना ही नहीं, इस विद्यापीठ की स्थापना के लिए दो महिलाओं ने सारा गहना भी अपना बेच दिया था। हालांकि आज इसकी हालत बाकी राज्यों के पुराने विद्यापीठों से काफी दयनीय स्थिति में है। गुजरात विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ, ये दो ऐसे विद्यापीठ है जिनकी स्थिति बिहार से काफी बेहतर है। इतना ही नहीं, ये दोनों बिहार विद्यापीठ के बाद ही अस्तित्व में आए थे। 100वें साल में इस विद्यापीठ को अब एक ऐसे रत्न की तलाश है जो इसकी विलुप्त हो रहे अस्तित्व की तलाश कर सके। इसकी स्थापना महात्मा गांधी, मौलाना मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिन उद्देश्यों से स्कूल की स्थापना की थी, आज वो अधूरा अधूरा सा नजर आ रहा है। 1921 से लेकर 1932 तक यहां शैक्षणिक गतिविधियां परवान पर देखने को मिल रही थी। यहाँ से छात्र व्यावहारिक और तकनीकी शिक्षा को हासिल करने का काम करते थे। यही 11 साल इस विद्यापीठ का स्वर्णिम काल था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी बार बार कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को बदलना निहायत आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों को विद्यालय त्यागने और छात्रों को विद्यालय का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। इन्हीं छात्रों की पढ़ाई के लिए गांधी जी ने राष्ट्रीय विद्यालय और इनके प्रबंधन के लिए ही विद्यापीठ की कल्पना की थी। आपको बता दें, चंपारण सत्याग्रह के अलावा बिहार विद्यापीठ बिहारवासियों को गांधी की महत्वपूर्ण देन है। बिहार में विद्यापीठ की नींव सत्याग्रह के ही रखी गई थी। उस वक्त गांधी जी को इस बात का एहसास हुआ था कि भारतीय संस्कृति और आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा देने के लिए विद्यापीठ की जरूरत है। आपको बता दें, बिहार विद्यापीठ में आज भी वह चबूतरा है जिस पर बैठकर बापू बिहार विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को डिग्री बांटते थे। चबूतरे के बगल में चारों स्वतंत्रता सेनानी मिलकर झंडोत्तोलन करते थे। आज भी वो स्तंभ वैसे ही है बापू द्वारा जो बनाया गया था। बुनियादी विद्यालय है, लेकिन जर्जर हालत में बिहार विद्यापीठ के 30% भूभाग में अतिक्रमण है। हालांकि बापू जिस कमरे में रुकते थे, वो स्थान जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार विद्यापीठ को दोबारा से दुरुस्त करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए या नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।